में आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू लर्न आइडिया में। मैं हूँ आपका दोस्त सूरज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द टेपर एंगल, मतलब टेपर एंगल कैसे निकाला जाता है बाय कैलकुलेशन से। इससे पहले टेपर एंगल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टेपर क्या होता है। तो टेपर आप देख सकते हो कि मैंने डायग्राम निकाल के रखा है जो टेपर का है। तो टेपर की व्याख्या क्या होती है, मतलब टेपर किसे बोल सकते हैं हम, तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेपर किसे कहते हैं। किसी भी जॉब के व्यास में एक समान वृद्धि या कमी को टेपर कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन, मतलब टेपर क्या होता है। यहाँ पे मैंने जो लिखा कि किसी भी जॉब के व्यास में एक समान वृद्धि या कमी को टेपर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है, इसमें जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखा है उसी को ऐसे पूरा पूरा पढ़ा जाता है। जैसे किसी भी जॉब के व्यास में, मतलब जैसे सपोज ये एक जॉब है, इसके डायमीटर है दोनों भी, एक साइड में कम है एक साइड में ज़्यादा है। यहाँ पे क्या बोला है कि किसी भी जॉब के व्यास में एक समान वृद्धि या कमी को, किसी भी जॉब के डायमीटर में एक समान वृद्धि, मतलब यहाँ से इधर तक हम आएंगे तो एक धीरे 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 उसके डायमीटर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और किसी भी जॉब के डायमीटर में उसकी वृद्धि या कमी को, कमी है मतलब ऊपर से हम जब नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर की तरफ जाएंगे तो क्या होते जाएंगे, कमी होते जाएंगे। इसलिए इसे ऐसे बोला है कि किसी भी जॉब के व्यास में एक समान वृद्धि या कमी को टेपर कहते हैं। ये हो गया टेपर की डेफिनेशन, मतलब टेपर अगर कोई पूछा तो टेपर मतलब क्या होता है तो इसका ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कि टेपर करने, यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपको कैलकुलेट था टेपर एंगल निकालने के लिए दो तीन फॉर्मूले, लेकिन टेपर कितने तरह से निकाले जा सकते हैं इसके लिए, इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक फॉर्मूला लिख दूँ और उसी को हर एक इसमें अप्लाई करना तो टेपर एंगल निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि टेपर कितने प्रकार से टेपर टर्निंग की जा सकती है। तो सबसे पहला आता है ट्रिकी बाय फॉर्म टूल, सेकंड आता है बाय कंपाउंड रेस्ट, तीसरा बाय टेलीस्कोप ऑप्शन, मेथड पांचवा है बाय कॉस्ट एंड लॉन्गिविटी। जैसे ही पता है कि सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कितनी तरह से टेपर टर्निंग की जा सकती है लेथ मशीन में। तो सबसे पहला कौन सा पता है कि बाय पंप टूल। पंप टूल मतलब जो जितने भी हमारे लेथ में कटिंग करते समय जो कटिंग टूल होते हैं, तो कटिंग डायरेक्ट कटिंग टूल को ग्राइंडिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में बता रहा है अपना सीधा कटिंग टूल है, इसके ऊपर अगर हमें टेपर बाय पंप टूल की तरह इस मेथड से टेपर टर्निंग करना है तो जितने भी डिग्री में टेपर टर्निंग किया जाएगा उसको डायरेक्ट ऐसे ग्राइंडर पर ऐसे डायरेक्ट खींच लेते हैं। उसके बाद जो एंगल में हमने कटिंग टूल को ग्राइंडिंग किया उसी एंगल में जॉब को डायरेक्ट जॉब के ऊपर उसी एंगल में उसी तरह सेट करके डायरेक्टली हम टेपर टर्निंग करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो जितने साइज का कटिंग टूल रहेगा, जितनी चौड़ाई या फिर उसकी जो साइज रहेगा उस उतने साइज का ही टेपर टर्निंग हो सकता है। सेकेंड नंबर है बाय कंपाउंड रेस्ट। लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है बाय कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट में जो सुवेल बेस होता है, बहुत सारे जनों को पता नहीं होता कि लेथ मशीन के कौन से भाग में डिग्री की मार्किंग की हुई रहती है, उस पार्ट का नाम है सुवेल बेस।
लेथ मशीन में जो जिस पार्ट के ऊपर डिग्री की मार्किंग की हुई रहती है उस पार्ट का नाम है सुवेल बेस। जिसको पता है, जिनको पता नहीं उनके लिए बता रहा, बहुत से जिनको पता भी नहीं है कि कौन से पार्ट के ऊपर डिग्री मार्किंग किया हुआ रहता है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर बाय डाइजेस्टिव ऑक्सन मेथड। बाय डाइजेस्टिव ऑक्सन मेथड मतलब जो एक होता है देखो जिनका हेड स्टॉक और दूसरा भाग है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ये इस मेथड से अगर टेपर टर्निंग करना है तो इसमें बॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है। विदाउट बॉल सेंटर की बाय डायरेक्टिव ऑप्शन मेथड से हम टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। टेल स्टॉक में बॉल सेंटर लगने के बाद बॉल सेंटर कौन से भी सेंटर फिट करने के लिए जॉब के एक साइड में सेंटर ड्रिलिंग किया जाता है। उसके बाद इस मेथड से टेपर टर्निंग करना है तो बॉल सेंटर का ही प्रयोग करके इस मेथड से टेपर टर्निंग होगा। बाकी तो कौन से भी सेंटर का उपयोग करके ये मेथड से हम टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट। ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट जब हम कौन सी भी लेथ मशीन खरीदते थे खरीदने से पहले अगर स्पेसिफिकेशन में हम उसमें डाले कि हमें टेपर टर्निंग अटैचमेंट चाहिए तो लेथ मशीन के साथ लग के आता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। और ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट का एडवांटेज क्या है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से हम टेपर थ्रेडिंग कर सकते हैं। ऐटो फीड में हम टेपर टर्निंग इससे काट सकते हैं और टेपर थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये सबसे एडवांटेज वाला टेपर टर्निंग अटैचमेंट है जो जिसके सहायता से हम टेपर थ्रेड भी कर सकते हैं, टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। लास्ट वाला यहाँ पे दिया है बाय क्रॉस फीड एंड लॉन्गिट्यूडनल फीड। पर लेथ मशीन में लेथ मशीन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लेथ मशीन में कितने तरह से फीड दी जा सकती है। तो लेथ मशीन में तीन तरीके से फीड दी जाती है। एक होता है क्रॉस फीड, एक लॉन्गिट्यूडनल फीड और तीसरा एंगुलर फीड होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो पांचवा नंबर का मेथड बताया यहाँ पे क्या बताया बाय क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल फीड। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, स्किल वर्कर ही ये कर सकते हैं। इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, अपने अपने दोनों हाथों के सहायता से ही क्रॉस स्लाइड को और कैरेज को दोनों को एक साथ चला के इस मेथड से टेपर टर्निंग की जाती है। ये हो गया हमारे सबसे पहले ये टेपर किसे बोलते हैं। उसके बाद टेपर टर्निंग के मेथड सर टेपर टर्निंग कितने हैं, पांच है। पहला पॉइंट तो दो भी बताया। उसके बाद बाय कंपाउंडेज सुवेल कंपाउंडेज की सहायता से सुवेल बेस आप इसलिए निकाल कि सुवेल बेस के ऊपर ही डिग्री की मार्किंग की जाती है। उसके बाद बाय टेलर ऑप्शन मेथड, टेलर ऑप्शन मेथड के सहायता से अगर टेपर टर्निंग कर रहा है तो बॉल सेंटर की जरूरी, बॉल सेंटर के सिवाय टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। उसके बाद आता है चौथे नंबर का बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट, इसमें हम ऐटो फील्ड में टेपर टर्निंग करते हैं और टेपर थ्रेड भी कट सकते हैं। उसके बाद आता है पांचवा नंबर का बाय क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल फील्ड, इसमें क्रॉस स्लॉट और कैरेज को दोनों को एक साथ चला के हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे बाय कंपाउंड रेस। फॉर्मूला दिया जाता है जिससे टेपर की डिग्री निकाल जाती है। tan थीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 एल। इसमें जो जितने भी वर्ड यूज किए उसके बारे में पूरी जानकारी भी होना चाहिए। मतलब ये डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, इसके बाद स्मॉल एल क्या होता है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देता हूँ। डी कैपिटल डी मतलब डी डायमीटर ऑफ जॉब। स्मॉल डी मतलब स्मॉल डायमीटर ऑफ जॉब। एल मतलब लेंथ ऑफ पेपर। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा tan थीटा इज इक्वल टू डी माइनस डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 एल। तो इस कैपिटल डी मतलब क्या होता है, डी डायमीटर ऑफ जॉब। जॉब जिस जॉब के ऊपर हम टेपर टर्निंग करेंगे उसका जो सबसे बड़ा डायमीटर रहेगा
वो डायमीटर मतलब कैपिटल डी। स्मॉल डी मतलब क्या होता है, जो टेपर टर्निंग करने के बाद जो डायमीटर हम बनाएंगे टेपर टर्निंग करने के बाद, इसे बोलते हैं स्मॉल डी। और स्मॉल एल मतलब लेंथ ऑफ टेपर, जितने लंबाई में टेपर काटना है उसे ही सिर्फ स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। और इसमें और एक फैक्टर आता है कि इसमें दूसरे फार्मूले में इस कैपिटल एल भी रहता है, तो कैपिटल एल का मीनिंग होता है टोटल लेंथ ऑफ जॉब। ये फार्मूला में कैपिटल एल नहीं है, तो आप ऐसा समझना गलत है कि इसमें भी है। तो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपने दिया है कि दूसरे फार्मूला में भी कैपिटल एल यूज करते तो ये कैपिटल एल का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे ये पेपर जो आपका डायग्राम मैंने निकाला था, तो इसमें फार्मूला को ये करेंगे, सबसे बड़ा डायमीटर मतलब ये कैपिटल डी, छोटा डायमीटर मतलब ये टेपर टर्निंग करने के बाद जो डायमीटर बनता है उसे स्मॉल डी कहते हैं। और स्मॉल एल मतलब जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि इतने लंबाई में भी हम नहीं अब सिर्फ टेपर टर्निंग दिखा है, तो ये स्मॉल एल। तो ये टेपर, इस फार्मूला से टेपर टर्निंग के एंगल निकालने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है टैन थीटा, मतलब इसमें से जो भी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू निकलेंगी, वो वैल्यू की कीमत जो हम चेक करेंगे ब्लॉक टेबल में, नेचुरल टेंजेंट के लॉग टेबल के नेचुरल टेंजेंट वाले पेज में चेक करना रहता है। तो बहुत सारे जन को लॉग टेबल भी पढ़ना नहीं आता, तो उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, और विदाउट लॉग टेबल से कैसे डिग्री निकाला जाता है वो भी सबको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल कैपिटल डी इक्वल टू 50, स्मॉल डी इक्वल टू 25 और एल इक्वल टू 100। तो इस वाले फॉर्मूले का वैल्यू का हम कैलकुलेशन निकालेंगे। फार्मूला है अपना डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2L। कैपिटल डी कितना दिया फार्मूले में, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 50, बड़ा डायमीटर दिया है, छोटा डायमीटर दिया है 25, और दो गुना का पेपर की लंबाई कितनी दी है 100 mm। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन निकालने के बाद क्या निकल रहा है, 50 से 25 गए तो 25 और दो 100 मतलब 200। अब ये दो का डिवाइडेशन करना है, डिवाइडेशन करते समय ध्यान रहे कि 25 को 200 से भागना है या फिर 200 को 25 से भागना नहीं है, मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है, ये गलत है, इसमें डायरेक्ट 8 आंसर आता है, ये नहीं करना, ये उल्टा है, इसके ऑपोजिट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता, इसलिए बता रहा हूँ कि 25 डिवाइडेशन यहाँ पे इसे 2। इसका फॉर्मूला ये वाले इसका कैलकुलेशन निकालने के बाद जो वैल्यू निकलती है, कैलकुलेशन निकालने के लिए आप नंबर का या फिर कैलसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद आता है 0.125। ये हो गया अपना टेन थीटा की वैल्यू, 0.125। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यू निकली है, वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू निकली है, लेकिन एंगल निकला नहीं है। तो ये वाले फॉर्मूले से टेन थीटा इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2L, ये वाले फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ तक ही आता है। इसके बाद का जो वैल्यू यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के बाद निकला, ये लॉग टेबल के नेचुरल टेंजेंट में चेक करना रहता है। अगर अभी लॉग टेबल नहीं रहा हमारे पास, तो उस समय क्या करना है, डायरेक्ट कभी भी इंडस्ट्री में काम करते समय किसी के पास जो लॉक टेबल नहीं रहता, तो लॉक टेबल अगर नहीं रहता तो उस समय क्या करना है वो भी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लॉक टेबल कैसे देखा जाता है वो भी बताऊंगा। जैसे वैल्यू कितनी निकली है, 0.125। 0.125 निकलने के बाद लॉक टेबल अवेलेबल नहीं रहा, तो इसको डायरेक्ट 57 से मल्टीप्लाई करना है।
ध्यान रहे कि 57 से ही मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नीचे आ गए इसलिए दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से लिखता हूँ। दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद आता है tan थीटा इक्वल टू 0.125। याद रहे कि अगर क्लॉक टूल हम नहीं यूज कर रहे तो उस समय शॉर्टकट मेथड है उसको 57 से मल्टीप्लाई करना है। 57 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 7 डिग्री समथिंग आता है, 7 पॉइंट ऐसा कुछ भी एक्सवाइजेड पॉइंट के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये निकलने के बाद यहाँ से इस फॉर्मूले 57 से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट हमें पता चलता है कि इसकी डिग्री कितनी निकली है, 7 डिग्री। पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहती है वो मिनट में रहेगा, लेकिन कंपाउंड बाय कंपाउंड रेट मेथड से मिनट हम सेट नहीं कर सकते, इसलिए जो डिग्री दिया जो डिग्री निकलती है डायरेक्ट डिग्री जो जितनी डिग्री निकली है उतने डिग्री सुअर गैस पे सेट करेंगे हम। ये हो गया शॉर्टकट मेथड बाय 57। अगर लॉक वाला अवेलेबल नहीं रहा तो 57 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकलती है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड का जो अंक रहता है वो डायरेक्ट डिग्री है, उसके बाद जो मिनट रहता है। लेकिन कंपाउंड रेट मेथड से डिपेंड नहीं करते समय मिनट हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि मिनट की मार्किंग लेथ मशीन में दिया गया नहीं है, सिर्फ डिग्री की मार्किंग ही दिया गया है। ये हो गया tan थीटा / d/t / 2 ये वाले फार्मूला से। और एक शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि tan थीटा / d/t / 2 इससे हमें जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू लॉक टेबल में चेक करना रहता है। फिर लॉक टेबल सपोज हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा तो उस समय उसको 57 से मल्टीप्लाई करना रहता तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में भी ले सकते हैं 57। इससे भी जो वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट डिग्री ही निकलती है 57 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी बात आता है कि जो मेथड है मतलब tan थीटा की जो वैल्यू हमने निकाले थे 0.125 उसको लॉक टेबल में कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि लॉक टेबल में कैसे देखा जाता है, लॉक टेबल कैसे पढ़ते हैं, लॉक टेबल में कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले तो फॉर्मूला में हमने tan थीटा लिए थे वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि लॉक टेबल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ tan की वैल्यू ही चेक किया जाता है, बहुत सारे और रहते हैं tan cosec sec cosine ऐसे जितने भी है वैल्यू उनकी वैल्यू भी चेक किया जाता है। लेकिन हमने फार्मूला में यूज क्या किए थे tan थीटा, तो हम लॉक टेबल के नेचुरल टेंजेंट वाले फेज में जाना लॉक tan की वैल्यू अगर चेक करना है तो लॉक टेबल के नेचुरल टेंजेंट वाले फेज पे जाना है, नेचुरल टेंजेंट इस पेज में जाके हमें लॉग टेबल जो tan थीटा फार्मूला से हमने जो वैल्यू निकाली थी वो वाले वैल्यू को कहां पे चेक करना है, नेचुरल टेंजेंट में ही चेक करना है, बाकी दूसरे पेज में चेक किए तो एंगल हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हम tan का फार्मूला यूज किए इसलिए नेचुरल टेंजेंट में। तो नेचुरल टेंजेंट वाला पेज ओपन करने के बाद सपोज ये लॉग टेबल का पेज है नेचुरल टेंजेंट का, यहाँ पे दी जाती है डिग्री, ध्यान रहे ये बहुत कम सीखने को मिलेगा कि लॉग टेबल को कैसे पढ़ा जाता है, पहले रहती है डिग्री की मार्किंग, उसके बाद जो जितनी भी रहती है वो फिर मिनट में आती है और ये क्वांटिटी में रहता है मेन डिफरेंस। डिग्री 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 180 डिग्री तक होती है, 90 डिग्री तक भी होती है। उसके बाद मिनट में क्या आता है, यहाँ पे ऊपर जो मिनट लिखा रहता है मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू
यहाँ पे ऐसा रहता है, 1 से 3 और फिर 5 से 7 और फिर 9 से 11 ऐसे वैल्यू दी जाती है यहाँ पे। लेकिन ये जो जितने भी वैल्यू रहेंगी या फिर डायरेक्ट अगर यहाँ पे ऐसे 10 रहा तो ये जितने भी वैल्यू यहाँ पे लिखा मैंने ये सब मिनट की वैल्यू है, मिनट की वैल्यू है। और ये वाले पेज में जो यहाँ पे मैंने ब्लैंक बताया यहाँ पे जो वैल्यू रहते हैं जैसे 0 डिग्री है तो इसके ऐसे में पूरे वैल्यू रहेंगी। समझने के लिए मैं लाइन कर रहा क्योंकि वैल्यू हम लिखेंगे उससे एक दूसरे तरह चिपक जाएंगे, मैं लाइनिंग कर रहा जैसे यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे जितने भी वैल्यू रहेंगे वो पूरे पॉइंट में वैल्यू रहेंगी, वो भी बहुत जानना बहुत जरूरी रहेगा। जितने भी वैल्यू रहेंगे जैसे 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी रहेगा XYZ पूरे वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट होगा। विदाउट पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर लैपटॉप में चेक करते समय पॉइंट की वैल्यू ही चेक की जाती है। पॉइंट के सामने 4 डिजिट चाहिए एंगल चेक करते समय। यहाँ पर रहेगा 735, 4 डिजिट रहता है 1220, फिर 1240, 1257, 1200 सीरीज रहते हैं, मतलब ऐसे जैसे अभी 1200 की सीरीज है या फिर स्टार्टिंग से ये सीरीज चालू होते हैं जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसे पूरे सीरीज जितने भी ये पेज रहेगा वो पूरे पॉइंट की ध्यान रहे कि पॉइंट की वैल्यू रही है और ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। और यहाँ पे रहता है मेन डिफरेंस, यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 10, 2, 1, 4, 3, 5 ऐसे अलग अलग डिजिट रहे हैं। तो चेक क्या करना है हमें टैन थीटा से, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि टैन थीटा से हमने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू कितनी थी 0.125। तो नेचुरल टेंजेंट में हम जब चेक करते तो हमें 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है चेक करते समय। तो ध्यान रहे कि हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था वो 3 डिजिट था, तो उसके पीछे हमें ये 0 ऐसे जोड़ना है। ये हो गया 4 डिजिट, उसके बाद हमें ये वाली वैल्यू चेक करना है नेचुरल टेंजेंट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट पूरी पॉइंट की वैल्यू ये है, उसके बाद कितना 1250, ये 1250 हम ये वाले चार्ट में ढूंढेंगे। तो 1250 कहाँ पे दिया गया है, जैसे ये 1257 है फॉर एग्जाम्पल वगैरह, भाई वो वैल्यू अलग रहेगी, मैं इसके अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने ये 1250, फॉर एग्जाम्पल ये 1245, 3, 1, 5, 2, 4 और यहाँ पे भी डिग्री दिया जा डिग्री दिया हुआ रहता है, डिग्री में मार्किंग दिया रहता है 1, 3, 4, 6, 7, 8। यहाँ पे मेन डिफरेंस में ऊपर में मिनट दिया रहता है, उसके बाद ये डिजिट रहते हैं। तो हमें चेक कितना करना है 1250, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू दिया गया है तो पॉइंट के बाद 1250 हमें ढूंढना है। कभी कभी कैसा होता है जैसे यहाँ पे 1240 है तो एग्जैक्ट हमें कितना चाहिए 1250 चाहिए, तो 1250 अगर एग्जैक्ट नहीं रहा तो उस टाइम क्या करना रहता, जैसे यहाँ पे 1245 है, 1245 मिलने के बाद हमें चाहिए था 1250, तो एकदम एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू डायरेक्ट मैच होगा ऐसा जरूरी नहीं रहता। उसके लिए उसके आसपास के मतलब थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस रहा तो भी चलता, उस भविष्य वाले वैल्यू को ढूंढना है। जैसे हमने ढूंढे थे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बताया ये 1245 है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो डिग्री की मार्किंग है जहाँ पे हमें 1245 मिले उसके लेफ्ट साइड की जो डिजिट है जहाँ पे मिले तो वो हो गया अपना डिग्री। जैसे कॉलम में यहाँ पे समझाने के लिए बताया कि जहाँ पे कहाँ पे मिला हमें एक वाले कॉलम में मिला है, उसके लेफ्ट साइड की पहली जो मार्किंग है कितनी है 2 है, मतलब हमें मिला है कितना है 2 डिग्री। 2 डिग्री मिलने के बाद उसके बाद हमें चेक क्या करना है इसके ऊपर क्या गया 1 से 3, फॉर एग्जाम्पल हमें 3 दिया है, ये हो गया 3 मिनट, तो हमें पूरी की पूरी वैल्यू नहीं मिली थी, हमें
कितना मिला था 1245 और हमें कितना चाहिए था और 50 होने के बाद चाहिए, तो इसी को जो नेचुरल टेंजेंट वाली पेज है जहाँ पे डिग्री मिला है या फिर जो वैल्यू हमने चेक कर रहे थे वो वैल्यू मिली उसके राइट साइड में चेक करते करते जाना मेन डिफरेंस में। मेन डिफरेंस में वैल्यू चेक करना के 1250 जो हमारी वैल्यू थी उसको 1200 अभी जो वैल्यू मिली है उसमें से कितने जोड़ने के बाद 1250 होगा, तो 1245 में उसी लाइन में चेक करना है उसको, उसी लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन को नहीं पकड़ना है, उसी लाइन को पकड़ के देखना है कि प्लस हमें कितना प्लस करने के बाद 1250 होगा, तो 5 प्लस करने के बाद 1250 होंगे, मतलब यहाँ पे 1245 और ये 1200 5 प्लस किया तो 1250, तो जहाँ पे हमें ये मेन डिफरेंस हमने जो वैल्यू लेंगे वहाँ पे प्लस करने के लिए तो उसको ऊपर के वैल्यू देखना है कि यहाँ पे मेन डिफरेंस में सबसे ऊपर क्या दिया है 4, मतलब ये भी मिनट में रहता है यहाँ पे 3 प्लस 4, तो इसका टोटल कितना हो गया 2 डिग्री 7 मिनट, ये मिनट की सिंबल है ध्यान रहे, यहाँ पर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिग्री 7 मिनट। नेचुरल टेंजेंट में जो पेज रहती है उसको ऐसे पढ़ा जाता है, सबसे पहला कॉलम रहता है डिग्री का, उसके बाद जो वैल्यू रहती है पॉइंट में जिसको हम चेक करते हैं उसके ऊपर पहले एकदम ऊपर दिया जाता है मिनट डिग्री के ऊपर वाले कॉलम में, उसके बाद जो पूरी वैल्यू दी जाती है 4 डिजिट में, उसके बाद उसको भी उसके ही लाइन में मेन डिफरेंस रहता है जो हमें चेक करना रहता है। मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि 0.1250 अगर पूरी तो पूरी वैल्यू नहीं मिले तो क्या करना रहता है, जो जितने भी वैल्यू मिले उसके आसपास एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी, कोई गारंटी नहीं रहती, इसलिए उसके थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा लेना है, अगर ज्यादा लिए तो मेन डिफरेंस से माइनस करना है, या फिर जब अभी हमने कितने लिए थे कम लिए थे तो 1245 लिए थे, 1245 लिए तो प्लस उसमें प्लस करना है, जैसे यहाँ पे अगर 1257 लेते थे तो हमें मेन डिफरेंस से 7 माइनस करना रहता है, लेकिन जितने भी हम वैल्यू यहाँ पे प्लस करेंगे माइनस करेंगे उसके ऊपर जो वैल्यू रहती है वो मिनट में रहता है, और यहाँ पे भी जो वैल्यू हमें मिलती है उसके एकदम ऊपर वाले कॉलम में मिनट में रहता है, उसको मैंने यहाँ पे बताया था कि जो दोनों का मेन डिफरेंस हो रही है डायरेक्ट जो मिला था उस दोनों को प्लस करके जो डिग्री तो हमें सबसे पहले मिल जाती है, उसके बाद रहता है मिनट, और दोनों का मेन डिफरेंस में अगर मिल जाता है डायरेक्टली तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मेन डिफरेंस से प्लस करके ये लेना पड़ता है। ये हो गया हमारा टेपर, मतलब मुझे बता रहा था कि हाउ टू कैलकुलेट द टेपर एंगल, टेपर एंगल निकालने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से प्रकार है, या फिर बाय कंपोनेंट मेथड से जो फार्मूला दिया था फार्मूला से कैसे टेपर डिग्री निकालते हैं, ये हो गया वो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो और बाकी के जो मैंने मेथड लिखा तो उसमें जो फार्मूला वगैरह यूज किया जाता है उससे कैलकुलेशन कैसे निकाले जाते हैं। आज के लिए इसमें धन्यवाद, अगर किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ फार्मूला के बारे में कुछ पूछना है फिर नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमारा चैनल को जिसने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा चैनल है, ई लर्न आइडिया, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।